के साथ में लगता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर जैसे ये ना। हाँ जी घर से स्टार्ट हुआ कहाँ से वो कहाँ ये पीड़ा सामने जो फ्लैग लगाया उधर यहाँ उतरे गाड़ी हम यहाँ पे सीखा दिया खड़े हैं ठीक है। तो रिवर का पानी यहाँ पे आता है इस समय रिवर का बताओ लास्ट का कहाँ पे कितना डिस्चार्ज लिया हम जहाँ पर हैं पूरा जो स्ट्रेच है ये शायद थोड़ा पास में पड़ता नहीं 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 सर क्या है कि वो आपको जो भी इस्तेमाल करना है स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक अ कॉल इसका क्या यूज करना है ये रख लीजिए मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया के लिए एक सेपरेट NDRF की बटालियन रेज की गई है पिछले कुछ सालों में और उसकी लोकेशन अभी तो लाडोबाल लुधियाना के पास में है लेकिन उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते ही गई है पिछले कुछ सालों में और उसकी लोकेशन अभी तो लाडोबाल लुधियाना के पास में है लेकिन उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं तो ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर लद्दाख का है। तो हम राज्य सरकार के साथ में कोऑर्डिनेशन करके जगह ढूंढ रहे हैं कि बटालियन की लोकेशन इसी राज्य में हो उसके बहुत फ़ायदे होंगे। पहली बात तो हम जल्दी उपलब्ध हो पाएंगे मुहैया हो पाएंगे वहीं पे रिएक्शन टाइम हमारा कम हो पाएगा। जो हम ट्रेनिंग की कार्रवाई करते हैं स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के लिए या पुलिस फॉर्मेशन होमगार्ड सिविल डिफेंस के लिए वो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ हो पाएगा तो और लोगों को ट्रेन कर पाएंगे। फिर यात्रा में हम लोग जुड़ते हैं माउंटेन रेस्क्यू टीम्स होती हैं हमारी J&K पुलिस के साथ में ट्रेन भी करते हैं तो जिस एरिया में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी एरिया में हम बटालियंस को शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए एक ज़मीन की तलाश यहाँ चल रही है। तो अमरनाथ यात्रा उत्तरा के लिए हम 6 टीमें या उससे अधिक टीमें डिप्लॉय करते हैं रेस्क्यू के लिए लेकिन अगर बटालियन यहाँ रहती है तो जितने भी रिजर्व लोग हैं किसी भी काम के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़े तो दूर से नहीं लाने पड़ेंगे पास में उपलब्ध हो जाएंगे। यह उसको हम मिलकर देख रहे हैं कि कौन सी जगह सूटेबल होगी जो कि बटालियन के लिए पर्याप्त जगह भी हो ट्रेनिंग एरिया के लिए सफिशेंट लैंड वहाँ पर अवेलेबल हो कनेक्टिविटी अच्छी हो कि